जनपद संभल के चंदौसी में आज जीएसटी की विसंगतियों को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने पीएम को संबोधित एक ज्ञापन उपायुक्त वाणिज्य कर को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने कारोबारियों को सुगमता देने के लिए अनेकों कानूनों में संरचनात्मक परिवर्तन कर उनके नए संस्करण लाए हैं, इसी तरह राजस्व संग्रह के निर्धारित लक्ष्य हेतु इस प्रकार का कानून की संरचना की जाए कि करदाता मजबूरी में नहीं बल्कि स्वेच्छा एवं पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाए। देखिए, जीएसटी को लगे 43 महीने हुए हैं और इन 43 महीनों में 937 संशोधन इस कानून में सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। रिटर्न प्रणाली इसकी इतनी जटिल हो चुकी है कि व्यापारी इन रिटर्नों के मकड़जाल में फंस के रह गया है। एक रिटर्न पूरा नहीं होता और दूसरे का समय शुरू हो जाता है। हमारी सरकार से मांग है कि जीएसटी कानून की व्यापक समीक्षा की जाए और इसकी समीक्षा में जो देश के खुदरा व्यापारियों के संगठन हैं उनको भी शामिल किया जाए और एक नया जीएसटी कानून लाया जाए जो बेहद सरल हो और उसकी सरलता से व्यापारी आकर्षित होकर खुद ब खुद पंजीकरण ले जीएसटी में और आसानी से अपने रिटर्न भर सके, अपने कर भर सके। क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये हमारे द्वारा दिया गया कर देश के विकास में काम आता है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक व्यापारियों को अपने साथ जोड़ें और सरकार से ये मांग हम रखते हैं आज कि इस जीएसटी कानून का सरलीकरण किया जाए, जीएसटी 2.0 के नाम से एक नया कानून लाया जाए जिससे व्यापारियों को सुविधा हो और सुविधाजनक तरीके से अपने रिटर्न भरें, अपने कर दें जो देश के विकास में लगें। सरकार द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इन्होंने अवगत कराया है कि जीएसटी में इनको कुछ समस्याएं आ रही हैं, व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, तो चूँकि ये समस्याएँ जो है ऊपर स्तर से ठीक होनी है, जीएसटी काउंसिल इसको देखेगा, तो हम लोग ये करेंगे कि ये जो है ऊपर हम प्रॉपर चैनल से हम कमीशन महोदया को इसको प्रेषित करवा देंगे तो इनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा इससे जो है।